नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इस समय कांग्रेस महकमे में एक तरीके से खुशी का माहौल है, और वो भी क्यों ना, राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा मिली थी और उसके बाद उनकी एमपी की सदस्यता रद्द हुई थी और उसके बाद उनका बंगला खाली कराया गया था, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाते हुए अभी उस डिसीजन को रोक दिया जो हाई कोर्ट का फैसला था। अब उसके बाद तभी से देखा जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली सहित सभी राज्यों में एक तरीके से खुशी का माहौल है। दरअसल मोदी सरनेम वाले मामले की मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। गुजरात में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम यानी 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने बहाल रखा था। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद अब उनकी संसद सदस्यता वापसी मिल जाएगी। कांग्रेस इसे लेकर बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सच की जीत हुई है और न्याय मिला है, लेकिन इस मामले में ताजा हालात अगर देखें तो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी के लिए दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उनकी सजा पर रोक लगा दी हो, कोर्ट के फैसले से भले ही राहुल गांधी को संसद की सदस्यता दोबारा मिलने वाली हो, लेकिन वो अभी भी सजा याफ्ता ही है। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने को कल के आदेश में गलत नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर यह कहते हुए रोक लगाई है कि निचली अदालत ने अधिकतम सजा देने की वजह नहीं बताई है। राहुल को मिली सजा से उनकी संसदीय क्षेत्र की जनता को भी भारी नुकसान हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सूरत के सेशन कोर्ट में जारी रहने की बात कही, यही राहुल गांधी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। अगर सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल की सजा कम भी कर दिया तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। साथ ही ये आपराधिक मामला की वजह से राहुल गांधी के नाम के साथ अपराधी भी जुड़ जाएगा। ऐसे में सियासी जंग में उनकी इस स्थिति को लेकर भी निशाना साधे जाने की पूरे आसार है। हालांकि सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी के पास गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की राह है, लेकिन अभी तो वो दोषी ही है। पर इस फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है, और कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान दोनों नेताओं ने विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया की आगे की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी लालू प्रसाद की पुत्री और राज्यसभा सदस्य सीमा भारती के आवास पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से मिले। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। इस दौरान राहुल गांधी ने लालू प्रसाद से उनके सेहत के बारे में भी जानकारी ली। इस मीटिंग में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद रहे। तो ये थी पूरी अपडेट सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था राहुल गांधी के केस पे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अभी दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।